हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर मधु कोटिया आपके लिए लेकर आई हूँ अगस्त मंथ की टैरो रीडिंग फॉर लकी नंबर 1 to 9 फॉर योर हेल्थ, करियर एंड रिलेशनशिप। इस रीडिंग में मैं आपको बताऊंगी कि आपके कार्ड्स अगस्त मंथ के लिए क्या कह रहे हैं। इसके अलावा आपको एंजल मैसेज भी दूंगी। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक सोल्यूशन दूंगी, एक छोटा सा रिचुअल जो आप सबके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। आइए जानते हैं कि आपको अपना लकी नंबर कैसे पता चलेगा। किसी भी मंथ की जो डेट है वो आपका लकी नंबर होती है। मान लीजिए आप 14 अगस्त को पैदा हुए हैं तो 14 तारीख को आप सिंगल डिजिट में लेके आएंगे 1 + 4 दैट इज 5, तो आपका लकी नंबर 5 है। मान लीजिए आप 20 तारीख को पैदा हुए हैं तो 2 + 0 = 2, तो आपका लकी नंबर 2 है। इस तरह से आप अपना लकी नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं रीडिंग लकी नंबर 1 के लोगों के लिए। जिन लोगों का नंबर 1 है वो मेरे कार्ड्स पे कंसंट्रेट करें, एक डीप ब्रीथ लें और रिलैक्स करें ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट कर सकूं और आपके लिए रीड कर सकूं। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की। ऐसा लगता है कि आपके करियर में कुछ चेंजेस आने वाले हैं। आप किसी चीज़ को लेकर स्टक हैं, कोई चीज़ है जो मूव नहीं कर रही आपके करियर में। कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई रिजल्ट अटके हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा आपको टेंशन दे रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व होने वाली है इस मंथ में। ऐसा हो सकता है कि आप अपनी जॉब चेंज करें, या ऐसा भी हो सकता है कि आप जो भी बिजनेस लाइन में है उसमें कुछ चेंजेस लेकर आए, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आती है। और इसके अलावा जो स्टक एनर्जी है वो आपकी मूव कर रही है, तो चीज़ें बेटरमेंट की तरफ जाने लगेंगी। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप में यहाँ पर दिख रहा है कि आपको बैलेंस की ज़रूरत है रिलेशनशिप में। ऐसा हो सकता है कि आप अपनी रिलेशनशिप पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे और बाकी की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो आप थोड़ा सा अपने पार्टनर के साथ समय बिताएं, थोड़ा सा रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश करें, थोड़ा सा अपने टाइम मैनेजमेंट पे काम करें ताकि ये रिलेशनशिप बेटर हो सके। जो लोग अभी किसी रिलेशनशिप में नहीं है और अपने पार्टनर को ढूंढ रहे हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर गुड न्यूज़ है। ऐसा लगता है कि एक नई शुरुआत होने वाली है। हो सकता है आपको अपना पार्टनर मिल जाए, हो सकता है आपको सोलमेट मिल जाए, तो आप बिल्कुल ओपन रहिए इस एनर्जी के लिए ताकि आपका रिलेशनशिप, एक नया रिलेशनशिप शुरू हो सके। अब हम बात करते हैं हेल्थ की। तो हेल्थ में कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी नहीं नज़र आ रही है यहाँ पर। ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा ध्यान नहीं देते अपनी हेल्थ पे, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। आप काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं अपनी हेल्थ को बेटर करने के लिए, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्योंकि आपने पहले ध्यान नहीं दिया। ये समय है जब आप थोड़ा सा रिलैक्स करें अपनी हेल्थ को लेकर, और जो भी आपको सजेस्ट किया गया है, प्रिस्क्राइब किया गया है, आप उसको फॉलो करें ताकि आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल सके हेल्थ में और आपकी हेल्थ बैलेंस हो सके। ओवरऑल अगर हम इस मंथ की बात करते हैं तो ओवरऑल एनर्जी इस मंथ की बहुत ही ज़्यादा हैप्पी नज़र आती है, बैलेंस नज़र आती है। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपकी बदलेंगी इस महीने में और बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपके रास्ते में आएंगी। अब हम देखते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। एज पर द एंजल यू नीड टू ट्राई समथिंग न्यू। आपको कुछ नया शुरू करने की ज़रूरत है, कुछ नया ट्राई करने की ज़रूरत है, और इट इज़ ओके टू बी डिफरेंट, इट इज़ ओके टू बी टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट विच इज़ नॉट मैचिंग विद द पीपल अराउंड यू। कुछ आप नया और अलग अगर करना चाहते हैं तो ये समय है, आपको करना चाहिए। और इसके बारे में आपको ऐसा नहीं फील करना चाहिए कि आप इंफीरियर हो जाएंगे या आपके बारे में लोग क्या सोचेंगे। एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप अपने रास्ते पे आगे बढ़िए। अब देखते हैं नंबर 2 के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स क्या मैसेज लेकर आए हैं। तो जिन लोगों का नंबर 2 है वो मेरे कार्ड्स पे कंसंट्रेट करें, एक डीप ब्रीथ करें और रिलैक्स करें ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट कर सकूँ, आपके लिए रीड कर सकूँ। करियर की अगर हम बात करें तो ऐसा लगता है कि जो भी आप कर रहे हैं आप उसमें थोड़ा बोर हो गए हैं, आपको
ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है इस काम में और आप इसको चेंज करना चाहते हैं, तो ये जो चेंज आप करना चाहते हैं, आप अपने आसपास देखिए, आपके दोस्त और आपके जानने वाले आपको एक ऑफर देने वाले हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी और जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा, आप एंजॉय करेंगे और अर्न भी करेंगे। तो इसकी तरफ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए और जब तक ये ऑफर नहीं आती है तो आप एग्जिस्टिंग काम पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश कीजिए। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप की। ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर से आपका झगड़ा हो रहा है, आप अनहैप्पी हैं और आप सोच रहे हैं कि इसको कैसे सॉल्व करें। अब इसमें अच्छी बात यह है कि आप सोच रहे हैं इसको कैसे सॉल्व करें, ना कि आप ये सोचें कि आप वॉकआउट कैसे करें। यानी कि यहाँ पर उम्मीद है कि आपकी रिलेशनशिप बेटर हो सकती है। अगर आप सोच रहे हैं तो आपको सोल्यूशन मिलेगा और ये रिलेशनशिप बेटर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं हेल्थ की। आपने कुछ नया शुरू किया है अपनी हेल्थ को बेटर करने के लिए, और अगर आपने अभी शुरू नहीं किया है तो बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, जिसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। मगर यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात यह है कि बहुत जल्दी आपका ध्यान हट जाता है चीज़ों से, बहुत जल्दी आप बोर हो जाते हैं। तो जो भी आपने हेल्थ रिजाइम देखा है या शुरू किया है, आप उस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए और उसको रेगुलरली कीजिए ताकि आपको उसका रिजल्ट मिल सके। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए कंट्रोल का मंथ है। आपको अपने ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है ताकि आप सही डिसीजंस ले सकें और आगे बढ़ सकें। अब हम देखते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपको मन में बहुत तंग कर रही हैं, कुछ लोग हो सकते हैं या कुछ वजहें हो सकती हैं जो आपको तंग कर रही हैं। एंजल्स का मैसेज है कि आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है, आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। ये एनर्जी जो आपके अंदर कलेक्ट हो रही है फॉरगिव ना करने की, इसकी वजह से आपके रास्ते रुक सकते हैं। तो आपको फॉरगिव करना है, आपको लेट गो करना है। आप ग्राउंडिंग मेडिटेशन कर सकते हैं लेट गो करने के लिए, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं लेट गो करने के लिए। ये सब करके आप लेट गो कीजिए, तभी आपको नए रास्ते नजर आएंगे। अब देखते हैं नंबर 3 के लोगों के लिए अगस्त मंथ क्या लेकर आया है, क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स। तो लकी नंबर 3 के लोग मेरे कार्ड्स पे कंसंट्रेट करें, डीप ब्रीदिंग करें और थोड़ा सा रिलैक्स करें ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट कर सकूं और आपके लिए रीड कर सकूं। अगर हम करियर की बात करते हैं तो करियर में ऐसा लगता है कि जो भी आप कर रहे हैं उसमें आप बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। ये मंथ है जब आप सोचें कि आपको आगे क्या सीखना चाहिए। आप कोई छोटा सा कोर्स करना चाहते हैं, कोई सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं, आप उसके बारे में सोचिए, उससे आपका करियर थोड़ा बेटर होगा। ये मंथ है नया कुछ सीखने के लिए। अब हम बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में ऐसा नज़र आता है कि यू आर गोइंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद योर पार्टनर। आप काफ़ी अच्छा समय बिताने वाले हैं अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने लोगों के साथ, और आप काफ़ी खुश रहने वाले हैं। इमोशनली ये मंथ आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अब हम बात करते हैं हेल्थ की, तो यहाँ पर भी मुझे आपके रिलेशनशिप के और फीलिंग्स के कार्ड नज़र आते हैं। यानी कि जो भी आप हेल्थ के लिए कर रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे इस मंथ में, और आप अपनी फैमिली पे और अपने लोगों पे ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं, और ओवरऑल ये हेल्थ आपकी ठीक रहने वाली है। तो आपको इसके लिए गिल्टी होने की या वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल ये मंथ बैलेंस बनाने का मंथ है, क्योंकि रिलेशनशिप तो बहुत अच्छी है लेकिन करियर में आपको कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। तो थोड़ा सा बैलेंस बना के चलिएगा, थोड़ा सा संयम रखिएगा ताकि ये मंथ आपका बैलेंस रहे और अच्छा रहे। अब हम देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन एंड यू नीड टू स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स। आप खुश रहिए और अपने दोस्तों के साथ समय बिताइए। ये समय आपके लिए खुश रहने का समय है, यही एंजल्स का मैसेज है आपके लिए। अब देखते हैं नंबर 4 के लिए टैरो कार्ड्स क्या मैसेज लेके आए हैं फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट। नंबर 4 के लोग मेरे कार्ड्स पे कंसंट्रेट करें, एक डीप ब्रीथ करें और रिलैक्स करें ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट कर सकूं और आपके लिए रीडिंग कर सकूं।
हम करियर की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि आप थोड़े से डाउटफुल हैं अपनी टीम को लेकर या अपने पार्टनर्स को लेकर, और ऐसा लग रहा है कि आप उन पे पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके काम अटक रहे हैं। आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा, एनालाइज करना होगा कि कौन गलत है और कौन सही है, ताकि आप सही इंसान को चुन सकें और अपने बिजनेस में या अपनी जॉब में आगे बढ़ सकें। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप की। तो ये टाइम है जब आप अपनी रिलेशनशिप को ओन करें। अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं और आपने अभी तक अपने पार्टनर को प्रपोज नहीं किया है, तो ये टाइम है कि आप अपने पार्टनर को बताएं आप कैसा फील करते हैं, आप अपने पार्टनर को बताएं आप उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और जो लोग शादी के बारे में सोच रहे हैं, वो लोग अपने पार्टनर से मिल सकते हैं, उन्हें एक नया जीवन साथी मिलने के चांसेस हैं इस मंथ में। अब हम बात करते हैं हेल्थ की। तो हेल्थ को लेकर ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा केयरलेस रहे हैं और आपने इसका ध्यान बिल्कुल नहीं दिया है। इस महीने में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं एसिडिटी की, गैस्ट्रो से रिलेटेड, तो आपको अपने फूड का ध्यान रखना होगा। आप क्या खा रहे हैं, कितने बजे खा रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप कोई डाइटिशियन हायर कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ आप थोड़ा सा बैलेंस डाइट लेने की कोशिश करें जिससे कि आपकी हेल्थ बेटर हो सके। ओवरऑल ये मंथ है सोचने का, समझने का कि क्या सही है और क्या गलत है, ताकि आप डिसीजन ले सकें कि आपको आगे किस तरह से बढ़ना है। अब हम देखते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। ये मंथ है आपके लिए ग्रैटिट्यूड का। आपको थैंकफुल होने की जरूरत है उन ब्लेसिंग्स के लिए जो भगवान ने आपको दे रखी हैं। बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू फील, बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव, एंड से थैंक्स टू द एनर्जीज, टू द यूनिवर्स, टू द गॉड, टू मदर अर्थ। दैट इज गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फॉर यू। अब देखते हैं लकी नंबर 5 के लिए कार्ड्स क्या कहते हैं फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट। तो नंबर 5 के लोग मेरे कार्ड्स पे कंसंट्रेट करें, एक डीप ब्रीथ करें और रिलैक्स करें, ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट कर सकूं और आपके लिए रीडिंग कर सकूं। अगर करियर की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि आप बहुत समय से कंफ्यूजन में थे, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आपको क्या करना है। ये मंथ आपके लिए क्लैरिटी लेकर आ रहा है, नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। आपको पता चलेगा, आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन से पाथ पे जाना है, आपको क्या करना है और क्या आपको हैप्पीनेस देगा। तो ओपन रहिए इस पॉजिटिव एनर्जी के लिए, ताकि आपको नए रास्ते मिल सकें। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप के लिए भी बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। ऐसा लगता है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं ऐसी उन लोगों के लिए जो लोग शादी के बारे में सोच रहे हैं और बहुत टाइम से रिश्ता नहीं आ रहा था, तो ये टाइम है जब आपको अच्छे रिश्ते मिलेंगे और आप अपना पार्टनर चूज़ कर सकेंगे। जो लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए भी ये कार्ड्स एक मैसेज लेकर आए हैं कि आपको अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा समय बिताने की ज़रूरत है, ताकि ये रिलेशनशिप बेटर हो सके। अब हम बात करते हैं हेल्थ की। तो हेल्थ के लिए कार्ड्स काफ़ी स्टेबल आए हैं। आप जो भी कर रहे हैं हेल्थ के लिए वो बिल्कुल सही है, आपकी हेल्थ एकदम बैलेंस नजर आ रही है, तो आपको हेल्थ के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज का है, नई चीजों का है, तो आप ओपन रहिए इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और इस एनर्जी के लिए। अब हम देखते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। ये मंथ आपके लिए विश फुलफिलमेंट का मंथ है। ये मंथ है जब आपकी क्रिएटिविटी बाहर आएगी और आपकी विशेस फुलफिल होंगी। तो जस्ट बी पॉजिटिव, जस्ट बी रिसेप्टिव, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। अब देखते हैं लकी नंबर 6 के लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट। तो 6 नंबर के लोग मेरे कार्ड्स पे कंसंट्रेट करें, एक डीप ब्रीथ लें और रिलैक्स करें, ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट कर सकूं और मैं आपके लिए रीड कर सकूं।
बहुत ही अच्छे करियर के कार्ड्स आए हैं आपके लिए। एक बहुत अच्छा चेंज आपके सामने आ रहा है, सब चीज़ें बदलने वाली हैं, अच्छी और पॉजिटिव चीज़ें होने वाली हैं आपकी ज़िंदगी में। एक बहुत अच्छा जॉब जिसकी आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे वो आपको मिल सकता है। एक बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। तो इस मंथ की एनर्जी आपके बिजनेस को, आपके जॉब को लेकर बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। बस आप ओपन रहिए और आपको ये ऑप्शंस मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप में आपके कार्ड्स अच्छे और बुरे मिक्स आए हैं। ऐसा लगता है कि एक रिलेशनशिप से आप बाहर आने वाले हैं। एक रिलेशनशिप जो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही थी, बहुत ज़्यादा परेशानी दे रही थी, आप उससे बाहर आने वाले हैं और ये डिसीजन आपका होगा और आप इस डिसीजन से काफ़ी खुश रहेंगे। यहाँ पर ये भी चांसेस आ रहे हैं कि आप जल्दबाजी में किसी नई रिलेशनशिप में पड़ सकते हैं जो आगे जाके स्ट्रेसफुल हो सकती है। तो आप जल्दबाजी ना करें नई रिलेशनशिप के लिए और आप लेट गो करें अपनी पास्ट रिलेशनशिप को, ताकि आप एक नई और अच्छी रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर सकें। अब हम हेल्थ की बात करते हैं। तो हेल्थ में कुछ ज़्यादा चेंजेस मुझे नज़र नहीं आते हैं। आप अगर कुछ नया शुरू भी करना चाहते हैं तो इस मंथ में कम चांसेस हैं कि आप शुरू कर पाएं। तो आप बस अपने फूड पे ध्यान दीजिए। आपका स्टमक से रिलेटेड इशू हो सकता है, आपके डाइजेशन से रिलेटेड इशू हो सकता है, तो उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बाकी आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक रहेगी। ओवरऑल ये मंथ काफ़ी हैप्पीनेस का है, ये मंथ काफ़ी ज़्यादा सक्सेस का है और अच्छी चीज़ें इस महीने में होने वाली हैं। तो आप एम्ब्रेस कीजिए इस गुड एनर्जी को। अब हम देखते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। अगर आपके पास कोई पेट एनिमल है या कोई भी ऐसा एनिमल है जिसके आप थोड़े से करीब हैं, चाहे वो स्ट्रे भी हो, उसको आपकी अटेंशन की ज़रूरत है, हो सकता है उसे आपकी हेल्प की ज़रूरत हो, तो एंजल्स का मैसेज है कि आप अपने एनिमल, अपने पेट की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। अब देखते हैं नंबर 7 के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं अगस्त मंथ के लिए। तो 7 नंबर के लोग मेरे कार्ड्स पे कंसंट्रेट करें, एक डीप ब्रीथ लें और रिलैक्स करें, ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट कर सकूँ और आपके लिए रीड कर सकूँ। करियर की जब हम बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई आपके साथ कम्पीट कर रहा है, प्रूव करना चाहता है कि आप उससे कम हैं, चाहे वो आपके ऑफिस में हो, आपके बिजनेस कम्पिटिटर हो, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा आपको कंपटीशन दे रहा है और आपको इस समय चार्ज लेने की ज़रूरत है और ये प्रूव करने की ज़रूरत है कि आप उससे बेटर हैं। अगर आप फोकस करेंगे और आप अपने कदम थोड़े से ध्यान से बढ़ाएंगे तो आप इस कंपटीशन में ज़रूर जीतेंगे। रिलेशनशिप की अगर हम बात करते हैं तो एक नई शुरुआत नज़र आती है, एक नई रिलेशनशिप शुरू होने वाली है, कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा और आगे चलकर ये रिलेशनशिप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या मैरिज में कन्वर्ट हो सकती है। अब हम हेल्थ की बात करते हैं। तो हेल्थ में ऐसा लगता है कि आप अपना हेल्थ का जो भी गोल था वो अचीव करने वाले हैं और आप काफ़ी हैप्पी फील करेंगे, काफ़ी सक्सेसफुल फील करेंगे और नए गोल्स बनाएंगे अपनी हेल्थ की। तो हेल्थ को लेकर ये मंथ काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल इस मंथ की एनर्जी है कि बहुत सारी ऑप्शंस हैं आपके पास, बहुत कुछ आपके सामने आ सकता है, आपको सही चीज़ को चूज़ करना है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो हेल्थ हो, एक सही डिसीजन आपको आगे लेकर जाएगा। अब देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। ये मंथ एक ट्रांसफॉर्मेशन का मंथ है। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिन्हें आपको गुड बाय बोलना पड़े और कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपकी ज़िंदगी में खुशियां ले आएं। तो आप ओपन रहिए, हीलिंग का मंथ है ये, आपको इमोशनल हीलिंग मिलेगी, आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है जिससे कि एक नई सुबह शुरू हो सके। अब देखते हैं नंबर 8 के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं अगस्त मंथ के लिए। नंबर 8 के लोग मेरे कार्ड्स पे कंसंट्रेट करें, रिलैक्स करें, एक डीप ब्रीथ करें, ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट कर सकूं, आपके लिए रीड कर सकूं।
करियर की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा ओवरबर्डन हो गए हैं और आप हैंडल नहीं कर पा रहे चीजों को, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं, बहुत प्रेशर है आपके ऊपर। तो ये समय है कि आपको डिसाइड करना है कि आप इतना ज्यादा ओवरबर्डन लेना चाहते हैं या एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये डिसीजन आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करेगा, आपके फ्यूचर के लिए, आपके करियर में आगे चलकर क्या होगा इसके लिए। यहाँ पर कार्ड्स का सजेशन है कि आपको ऐसी सिचुएशन से वॉकआउट करना चाहिए जो आपको इतनी ज्यादा स्ट्रेस दे रही है और नई अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ जाएंगी। अब हम अगर रिलेशनशिप की बात करते हैं तो रिलेशनशिप में भी ऐसा लगता है कि आप स्टक हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको वॉकआउट करने की जरूरत है, जहाँ पर आपको डिसीजन लेने की जरूरत है, लेकिन आप वो डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं सोशल प्रेशर की वजह से या फैमिली प्रेशर की वजह से। तो आपको अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना चाहिए, अलग बैठकर सोचना चाहिए कि आप इस रिलेशनशिप से कैसे बाहर आ सकते हैं। और अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि आप इसी रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो आपको अपना एक स्ट्रेटजी बनाना होगा, आपको सोचना होगा कि आप किस तरह से इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ें ताकि आपके स्ट्रेस लेवल्स कंट्रोल में रहें। हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आपका स्ट्रेस बहुत ज्यादा है तो आपके फूड पे आपका ध्यान नहीं रहेगा, आपकी हेल्थ पे आपका ध्यान नहीं रहेगा, आप एडिक्शन की तरफ जा सकते हैं। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो वो बढ़ सकती है, ड्रिंकिंग बढ़ सकती है, तो इस पे आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है, थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है ताकि ये चीजें आपको नुकसान ना पहुंचा सके। ओवरऑल इस मंथ की एनर्जी है कि आप थोड़ा सा चीजों को लाइटली ले लीजिए और बहुत सोच समझ कर आगे बढ़िए, लेकिन स्ट्रेस को हैंडल करने का तरीका ढूंढिए, तभी आप ज्यादा अच्छे से आगे बढ़ सकेंगे। अब देखते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम लाइफ में आ रही हैं उनके लिए खुद को ब्लेम करना बंद करना पड़ेगा। आप बहुत ज्यादा अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं जिसकी वजह से प्रेशर सारा आपके ऊपर आ रहा है और आपके स्ट्रेस लेवल्स बढ़ रहे हैं। आप लेट गो कीजिए, आपकी गलती नहीं है हर जगह पर और भी लोग इन्वॉल्व हैं आपकी सिचुएशन में, अपने आप को फॉरगिव कीजिए और आगे बढ़िए। अब देखते हैं नंबर 9 के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट। तो लकी नंबर 9 के लोग मेरे कार्ड्स पे कंसंट्रेट करें, एक डीप ब्रीथ करें और रिलैक्स करें ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट कर सकूं और आपके लिए रीड कर सकूं। करियर की अगर हम बात करते हैं तो आपको थोड़े से संयम की जरूरत है। ऐसा लगता है कि आपका गुस्सा, आपका एग्रेशन वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है आपके करियर में, जिसकी वजह से आपके सीनियर्स आपसे खुश नहीं हैं। थोड़ा सा संयम रखिए और बहुत सोच समझकर आप रिएक्ट कीजिए, इमीडिएट रिएक्शंस जो हैं वो आपको नुकसान कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप की, तो ऐसा लगता है कि आपके रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज चल रहे थे वो सॉल्व होने वाले हैं। आपके जो पार्टनर हैं वो खुद आकर आपके साथ डिस्कस करेंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस दिखती है मुझे इमोशनली इस मंथ में, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपको काफ़ी खुशियाँ नज़र आएंगी और बहुत अच्छा समय आप अपने पार्टनर के साथ बिताने वाले हैं। अब हम बात करते हैं हेल्थ की, तो ऐसा लगता है कि आप कोई हेल्थ रिजाइम फॉलो कर रहे थे जिसकी वजह से आप बहुत सारी होप ले रखे थे, लेकिन वो जो होप है वो फुलफिल नहीं हुई है और आप बहुत ज़्यादा अपसेट होने वाले हैं इसको लेकर। तो यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप एक नई शुरुआत कीजिए, आप कुछ नया देखिए। हो सकता है जो भी आप कर रहे थे वो आपकी बॉडी को, आपको, आपके माइंड को सूट नहीं कर रहा था, और अगर आप कुछ नया ढूंढेंगे तो उससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ओवरऑल ये मंथ है विल पावर का, आपको अपनी विल पावर पे काम करना है, आपको अपने आप को स्ट्रांग रखना है ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। अब हम देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। एज पर द एंजल्स क्यूरियस होना बहुत अच्छा है, लेकिन अपनी क्यूरियोसिटी सबको इतनी जल्दी नहीं दिखानी चाहिए।
थोड़ा सा आराम से आगे बढ़िए, लोग हैरान हो जाते हैं कि आप ऐसा सोच भी सकते हैं और वो इसको हैंडल नहीं कर पाते। तो आपको अपने मन की बात बहुत जल्दी से लोगों को नहीं बतानी चाहिए, थोड़ा सा सोच समझ कर बोलना चाहिए। तो ये मैसेज था एंजल्स का आपके लिए। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि मैं आपको एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन, एक रिचुअल बताऊंगी जिसे करने से आपको काफ़ी फायदा होगा। तो इस रिचुअल में आपको दो दिए चाहिए और सरसों का तेल और देसी घी चाहिए। आपको ये दिए आपके घर की एंट्रेंस पे लगाने हैं, लेफ्ट साइड में सरसों के तेल का दिया और राइट साइड में देसी घी का दिया। देसी घी के दिए में आप 7 दाने येलो मस्टर्ड यानी कि पीली सरसों के डालेंगे और सरसों के तेल के दिए में आप ब्लैक मस्टर्ड के 7 दाने डालेंगे और इसको आप जलाएंगे। इसे आप शुरू कीजिए मंगलवार से और 11 दिन तक आप इसे जलाते रहिए। आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी की ब्लॉकेजेस हट रही हैं, आपके घर की नेगेटिविटी हट रही है और अच्छी शुरुआत हो रही है। तो आप ये रिचुअल कीजिए और मुझे बताइएगा कि इसका रिज़ल्ट कैसा रहा।